पाकिस्तान सरकार ने चीन की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन को इनकलाब बताया है। पैकवैक नाम के इस टीके को मंगलवार को लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के केंद्रीय योजना मंत्री असद उमर ने इसे एक अहम दिन बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की ये वैक्सीन किसी इनकलाब यानी क्रांति से कम नहीं है। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान की स्वास्थ्य टीमों के साथ चीन के सहयोगियों का भी आभार जताया, जिन्होंने वैक्सीन की उत्पादन की व्यवस्था करने में मदद की। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान में अभी टीका लगवाने आ रहे लोगों की पहली पसंद चीन में बनी वैक्सीन साइनोफार्म ही है, पश्चिम में बनी वैक्सीन नहीं। असद उमर ने कहा, हमारे यहाँ लोग जब टीकाकरण केंद्र पर जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है तो वो साइनोफार्म मांगते हैं, और जब उनसे ये कहा जाता है कि ये नहीं है तो वो वापस चले जाते हैं। उनका कहना था कि हमने सर्वे कराया जिसमें सारी वैक्सीन्स के नाम थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लोगों की सबसे पहली पसंद साइनोफार्म थी। मंत्री उमर ने कहा, लेकिन हमें पैकवैक को भी बढ़ावा देना पड़ेगा क्योंकि इसे हमने मिलकर तैयार किया है, ये एक इनकलाब है। इस मौके पर स्वास्थ्य मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान कठिन चुनौतियों को अपने साथियों की मदद से अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोविड-19 का सामना करने में हमारा दोस्त चीन हमारे सबसे करीब रहा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की वैक्सीन बनाने के लिए चीन ने कच्चा माल दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसे विकसित करना आसान नहीं था। डॉक्टर सुल्तान ने बताया कि इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पैकवैक वैक्सीन को चीन की सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैंसिनो ने विकसित किया है और इसे कॉन्सेंट्रेटेड रूप में पाकिस्तान लाया जा रहा है, जहाँ इसे इस्लामाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH में पैकेज किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कैंसिनो की वैक्सीन चीन की पहली वैक्सीन थी जिसका पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल किया गया था और इसे 18,000 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि NIH में आज एक फैसिलिटी शुरू की गई है जहां वैक्सीन को मिलाया, भरा और तैयार किया जाएगा। ये आत्मनिर्भरता को हासिल करने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। पाकिस्तान में देसी टीके की खबर ऐसे समय में आई है जब वहां पिछले 3 महीनों में पहली बार पॉजिटिविटी रेट 4% से नीचे चली गई है। पाकिस्तान में बुधवार को लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 2000 से कम मामले सामने आए हैं। बुधवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वहां 24 घंटे के दौरान 1843 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते एक दिन में 80 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इससे एक दिन पहले 24 घंटे के दौरान 1771 नए संक्रमण और 71 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। पाकिस्तान में महामारी से अब तक 10 लाख से भी कम लोग संक्रमित हुए हैं और लगभग 21,000 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के असर से अधिक प्रभावित नहीं हुआ था। वहां महामारी की पहली लहर बीते साल मई जून के महीने में आई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इसका असर कम पड़ने लगा था। महामारी की दूसरी लहर बीते साल सितंबर के मध्य में आई और इस साल फरवरी के आखिर तक रही थी। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान में संक्रमण के मामलों में फिर तेजी आने लगी। पाकिस्तान में मार्च के पहले सप्ताह में 16,000 एक्टिव मामले थे, लेकिन अप्रैल में इनकी संख्या 8 गुना से अधिक बढ़ गई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम के बाद पाकिस्तान में भी चिंता बढ़ गई थी। रमजान का महीना होने की वजह से चुनौती और बढ़ गई थी। पाकिस्तान में हर साल रमजान के महीने में मस्जिदों में इबादत करने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। पिछले साल महामारी के दौरान लोगों के घर पर दुआ करने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश था जिसने रमजान में अपनी मस्जिदें खुली रखी। इस साल भी ऐसी ही स्थिति रही। रमजान के दौरान मस्जिद और इमाम बारगाह खुले रहे। हालांकि इमरान खान ने अधिकारियों से कहा कि ये तय करें कि लोग नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे पर मास्क लगाएं। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि देश में प्रति करीब 963 लोगों पर एक डॉक्टर है, ऐसे में अगर कोरोना वायरस ने पैर फैलाए तो भयंकर आपदा आ सकती है। अप्रैल के आखिर में इमरान खान ने ये भी कहा कि वो ऐसे कोई कदम उठाना नहीं चाहते जिसका बुरा असर मजदूरों और श्रमिक वर्गों पर पड़े।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हालात भारत जैसे हो गए तो सरकार कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। मार्च के बाद पाकिस्तान में आए उछाल के बारे में पाकिस्तान के मंत्री असद उमर ने कहा था कि इसके लिए ब्रिटेन का वेरिएंट एक वजह हो सकता है जो पहले के कोरोना वायरस स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है।